Yes, in this chapter, industrialization, the time period which we will cover, that is 19th century, because as you know, industrialization process that started in Europe, first of all. सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बच्चे पूरे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट सबसे पहले कौन सा था? यूरोप. वन मार्क क्वेश्चन साइड बाय साइड मैं बोल रही हूँ. दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इन यूरोप इन 19th सेंचुरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? जब मैं ऐसे बोलूंगी ना स्टेटमेंट, तो इट मींस दैट इज ऑफ वन मार्क. लेकिन जब आपको क्वेश्चन एमसीक्यू बेस होगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा वो आपका मैच द कॉलम्स, फिल अप या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है. इट इज क्लियर? ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज. किसी भी कंट्री में हम जब कहते हैं ना कि इस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब है कि उस कंट्री में इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो हैं उसके बनाने या उसके कंस्ट्रक्ट करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई. हम यूरोप की बात करें कि यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो देखा जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में आई थी. ठीक है, वो हमने इसमें पढ़ना है. बेसिकली कॉटन की स्टोरी एंड आयरन स्टील, क्योंकि ये किसी भी इंडस्ट्री का बेस होते हैं. तो सबसे पहले हमने कॉटन का पढ़ना है कि कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि किस तरह से कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज या कॉटन बेस्ड फैक्ट्रीज जो है उनको सेटअप किया गया. क्लियर? लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फेज था, इससे पहले का टाइम पीरियड भी हमने इसमें पढ़ना है थोड़ा सा. दैट इज 17 to 18 सेंचुरी. यानी कि जब यूरोप में इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गया, तो क्या इमिडिएटली इंडस्ट्रीज बनी थी? उससे पहले भी काम होता था. और अगर काम होता था और अगर इंटरनेशनल मार्केट के लिए लोग जो हैं वो कॉटन या टेक्सटाइल या थ्रेड अगर बनाते थे, तो ये काम कहाँ पे होता था? इंडस्ट्रीज में होता था, या लोग अपने घरों में करते थे, सिटीज में करते थे, या विलेज में करते थे? तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो मीन्स प्रायर, प्री और अर्ली फेज, कुछ भी कह सकते हैं हम. प्रोटो प्रोटो वर्ड, प्रोटो डिफाइन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इसमें क्या बताओगे? प्रोटो का मतलब होता है प्रायर, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का फेज, प्रायर फेज या अर्ली फेज. अर्ली फेज कौन सा हो गया? 17 to 18 सेंचुरी. क्लियर? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फीचर्स, अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता फिर मैं आपको सारा डिटेल में करवाती, पॉइंट्स हेडिंग. लेकिन जब हम इसको बच्चे एमसीक्यू बेस के लिए करते हैं, तो हमने साइड बाय साइड इसका इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो डाटा है वो साइड बाय साइड हमने करना है. ठीक है, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप में, इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री थी जहां पे लैंड जो थी वो दो तरह से डिवाइडेड थी, ओपन लैंड एंड कॉमन लैंड. ओपन लैंड ऐसी लैंड जिसपे लोग एग्रीकल्चर करते थे, कॉमन लैंड ऐसी लैंड जिसमें वो किसी भी तरह से, हम ये कह सकते हैं, फ्यूल वुड या एनिमल ग्रेजिंग या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है वो ले सकते थे. लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया इंग्लैंड में, जिस जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, 17 या 18 सेंचुरी, गवर्नमेंट ने उस लैंड को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यानी कि प्राइवेट ऑनरशिप स्टार्ट कर दी. जब लैंड को प्राइवेट ऑनरशिप स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जितने भी रिच मर्चेंट्स या रिच पीजेंट जो थे उन्होंने लैंड को खरीदना शुरू कर दिया, बिकॉज दे वर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे थे. अब गवर्नमेंट को तो बेनिफिट ही होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंग्लैंड में जितनी भी लार्ज स्केल में एम्प्टी लैंड थी, उस लैंड को जो कॉमन लैंड थी या फिर जो ओपन लैंड थी या ऐसी लैंड जिस लैंड पे इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं, उस लैंड को प्राइवेट ऑनरशिप का मतलब होता है बेचना शुरू कर दिया. अब धीरे 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 इंग्लैंड का जो लैंडस्केप था वो टोटली चेंज हो गया. 17 सेंचुरी और 18 सेंचुरी में क्या होना शुरू हो गया, इंग्लैंड में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो हैं वो स्टार्ट होनी शुरू हो. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी, इंग्लैंड में दो तरह के लोग थे, रिच मर्चेंट्स एंड पुअर मर्चेंट्स, रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स, और दूसरी तरफ विलेज के एरियाज के लोग थे. ठीक है, तो इंग्लैंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, गिल्ड सिस्टम. या ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं था बेटा, ये पूरे यूरोप में था. आपको याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया था. तो अब आपको ये पता होना चाहिए वन वर्ड या वन लाइन क्वेश्चन, गिल्ड क्या होता है. गिल्ड मीन्स एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स.
यानी कि ऐसी एसोसिएशन जो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए मर्चेंट्स के साथ एक यूनियन बना लेते हैं ताकि कोई और मर्चेंट उनके बिजनेस में एंटर ना कर पाए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस या गिल्ड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे मर्चेंट्स का ग्रुप जो कभी नहीं चाहते कि उनके बिजनेस में नए मर्चेंट्स एंटर करें, क्योंकि उनको पता है कि उनके बिजनेस में अगर नए बिजनेसमैन एंटर करेंगे तो उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसीलिए इंग्लैंड में या यूरोप में उस टाइम पीरियड में बहुत सी कंट्रीज में गिल्ड सिस्टम जो था वो ऑपरेट हो रहा था। अब प्रॉब्लम क्या आई, इस गिल्ड सिस्टम के कारण जितने भी नए मर्चेंट्स जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, जो नए मर्चेंट्स थे जो कॉटन में इन्वेस्ट करना चाहते थे, उन लोगों को सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स नहीं मिले। यानी कि ये लोग सिटीज में कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। जब भी मैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हूँ, इट मींस कॉटन, कॉटन क्लोथ। कॉटन टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, कॉटन टेक्सटाइल, सॉरी कॉटन क्लोथ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई कि 17 और 18 सेंचुरी में जो जितने भी नए मर्चेंट्स थे वो कॉटन टेक्सटाइल सिटीज में नहीं बना सकते थे, यानी कि कपड़ा जो था वो सिटीज में नहीं बना सकते थे, बिजनेस नहीं कर सकते थे, बिकॉज एट दैट टाइम गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर देयर। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है, गिल्ड सिस्टम जो कि उनको एंट्री नहीं दे रहा था। एंट्री का मतलब क्या होता है कि उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं हो रहा था, उनके प्राइजेस, क्योंकि ये सभी प्राइसेस को भी रेगुलेट करते थे, कॉटन का क्या प्राइस होगा, इंटरनेशनल मार्केट में कितना सेल होगा, कितना परचेज होगा, ये सारा गिल्ड सिस्टम जो था, गिल्ड एसोसिएशन सारा रेगुलेट करती। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 17 और 18 सेंचुरी में कुछ नए मर्चेंट्स जो कॉटन टेक्सटाइल में जो इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड एट दैट टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वर फैसिनेटेड, वो चाहते थे कि कॉटन टेक्सटाइल में इन्वेस्ट किया जाए ताकि पूरे वर्ल्ड में वो क्या कर सके, कॉटन टेक्सटाइल से अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है उसको एस्टैब्लिश कर सके। प्रॉब्लम क्या थी कि टेक्सटाइल को बनाते कहाँ पे, कपड़ा का भी बनाते, and that's why at that time these merchants they moved to village areas, that is proto। proto का मतलब होता है industrialization से पहले। इसका मतलब क्या है, ये नए merchants रहते cities में थे लेकिन वो काम कहाँ से करवाते थे, village areas। अब हम ये पढ़ेंगे कि village areas में काम कैसे होता था, यानी कि 17 और 18 centuries में जब नए मर्चेंट्स के थी, इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी लेकिन बहुत कम, और मेनली जो काम था वो कहाँ से करवाते थे, विलेज एरिया से। जैसे मैंने, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज किसी पर्सन ने अपना बुटीक से जो है वो काम करवाना है, शर्ट स्टिच करवानी है या सूट स्टिच करवाने हैं, सिटीज में उनके पास प्रॉपर प्लेस नहीं, तो ऐसे लोग फिर क्या करेंगे, विलेज एरिया जाएंगे, वहां पे लोगों से कॉन्टेक्ट करेंगे, उनको एडवांस देंगे और लोग अपने घरों में शर्ट स्टिच करके उनको देंगे, और रेडीमेड मटेरियल वापस फिर कहाँ पे लेकर आएंगे, सिटीज में, और सिटीज से उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ ऐसे मर्चेंट्स जिनको सिटी में प्लेस नहीं मिला, वो 17 और 18 सेंचुरी, मतलब ये जो है वो 200 इयर्स की स्टोरी है, जिसमें दीज पीपल, दीज मर्चेंट्स, दे मूव टू विलेज एरियाज एंड दे कैरिड देयर प्रोडक्शन प्रोसेस देयर। कैसे किया, इस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कॉटन, अगर हम कॉटन की बात करते हैं ना, कॉटन जो टेक्सटाइल है इसमें फोर मेन स्टेप्स, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका, फोर स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। नंबर वन, सबसे पहले आप बताओगे स्टेपलिंग। हां जी कृतिका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेपलिंग। हां जी, स्टेपलिंग भी कह सकते हैं इसको, या स्टेपलर। पर्सन जो होगा, पर्सन होगा स्टेपलर, और प्रोसेस क्या होगा, स्टेपलिंग। बच्चे पुराने, अगर आप कभी भी, अगर आपने पुरानी कॉटन देखी होगी ना, जो पुरानी कॉटन होती है ना उसमें बीट सीड्स होते हैं, तो कॉटन के सीड्स को अलग करके उसका थ्रेड बनता है, थ्रेड से फिर कपड़ा बनता है। तो हर स्टेप यानी कि हर प्रोसेस जो है वो अलग अलग तरह के लोगों से लिया जाता था। अब हम इसको स्टोरी की तरह याद करेंगे कि जो न्यू मर्चेंट्स थे वो रहते तो इंग्लैंड में थे लेकिन काम कहाँ से करवाते थे, बिजनेस कहाँ से करवाते थे, विलेज एरिया से। विलेज एरियाज के लोग जो थे वो अभी सिटीज में जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, दे रिमेन्ड इन द विलेज एरियाज, वो विलेज में रहकर ही अपना काम करते थे। स्टेपलर, सपोज एक क्लोथियर मर्चेंट, एक क्लोथ मर्चेंट जो था वो पहले स्टेपलर के पास जाता था, कितने स्टेपलर से डील करता होगा, 20 to 25,
उनसे मिलता था, उनको एडवांस देता था और एडवांस इवन रॉ कॉटन भी सप्लाई करता था। फिर ये स्टेपलर स्टेपलिंग करता था। स्टेपलिंग का मतलब क्या होता है, राइट डाउन वन लाइन क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेपलिंग। स्टेपलिंग का मतलब होता है टू सॉर्ट आउट कॉटन और वूल। स्टेपलिंग का मतलब है टू सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट करना मतलब सीड्स को अलग करना कॉटन से। या अगर वूल की बात करें तो वूल जो ओरिजिनल वूल है जो शीप से एक्सट्रैक्ट की जाती है उसको प्रॉपर सॉर्ट आउट करना, उसको बोलते हैं स्टेपलिंग। तो स्टेपलिंग क्या होती है, स्टेपलर, स्टेपलर हु सॉर्ट आउट वूल, या स्टेपलिंग क्या होती है, द प्रोसेस इन विच वूल और कॉटन इज सॉर्ट आउट बाय द स्टेपलर। क्लियर, टू मेक फाइबर, फाइबर बनाने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए जब उसको सॉर्ट आउट किया जाता, यानी कि कॉटन से सीड्स जो उसके बीच में अलग अलग जो है वो नॉट्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता, ठीक है। देन सेकेंड, सेकेंड स्टेप इसमें आप लिखोगे स्पिनर। फिर ये क्लोदियर मर्चेंट जो था वो स्टेपलर से सारी कॉटन लेकर स्पिनर को देता होगा, या फिर विलेजर्स खुद ही सप्लाई कर देते होंगे क्योंकि इनके बीच में आपस में कॉन्टेक्ट था। तो इस स्टेप में भी 20-25 विलेजर्स या आर्टिसंस या वीवर्स इन्वॉल्व होते थे जो स्टेपलर से कॉटन लेकर इसको आगे स्पिन करते थे, टू स्पिन थ्रेड। यानी कि कॉटन से कपड़ा बनाना, ठीक है। स्पिनर ने क्या किया, स्टेपलर से कॉटन ली और उसे क्या बनाया, थ्रेड बनाया स्पिनर, ठीक है। देन थर्ड फुलर। अब स्पिनर, स्पिनर का काम क्या था, हु वॉज कॉल्ड स्पिनर, राइट डाउन स्पिनर। स्पिनर द मेन वर्क ऑफ स्पिनर वॉज टू स्पिन द थ्रेड, टू स्पिन द थ्रेड। देन थर्ड फुलर, हु वॉज कॉल्ड फुलर, फुलर कौन होता था, हाँ क्लोथ मेकर। फुलर वॉज द पर्सन और आर्टिसन हूज वर्क वॉज टू प्लीड, प्लीड का मतलब क्या होता है, थ्रेड से कपड़ा बनाना, प्लीडिंग। जैसे मैंने एग्जांपल जैसे आपको दिया कि जैसे आपके मम्मा जो हैं वो वूल के होते ना बॉल्स होते हैं उसे निटिंग करते हैं, स्वेटर बनता है। तो इट मीन्स आप ये सोचो कि जो फुलर है वो ये काम करता होगा, स्पिनर उसको थ्रेड देता होगा और जो थ्रेड से वो क्या बनाता होगा, कपड़ा, थान जैसे बनते हैं ना, रोल्स बनते हैं। तो फुलर का मेन काम क्या होता होगा, कपड़ा बनाना, ठीक है। फुलर, हु वॉज फुलर, द मेन वर्क ऑफ फुलर वॉज टू प्लीड द क्लोथ, टू प्रिपेयर द क्लोथ, ये भी कह सकते हो इजी लाइन। एंड लास्ट, कपड़ा बन गया, ओरिजिनल कलर क्या होगा इसका, वाइट कलर। तो एक और स्टेप फॉलो किया जाता था, इसमें भी 20-25 ठीक है पर्सन जो है वो काम करते थे। नेक्स्ट है डायर, DYER, जो डाई करता था अकॉर्डिंग टू डिमांड कि कपड़े को कौन सा कलर चाहिए, ब्लू चाहिए, रेड चाहिए, ब्लैक चाहिए, व्हाटएवर। लेकिन डाइंग का जो काम ना विलेज एरियाज में उतना अच्छा नहीं होता था जितना कि लंदन में फिनिशिंग सेंटर्स होते थे। तो कई बार अगर किसी भी क्लोथ मर्चेंट को डाई नहीं पसंद आती थी, आप देखते हो ना कि जैसे कई बार बच्चे आपके मम्मा है वो व्हाइट कलर का दुपट्टा लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, फिर डाई करवाते हैं। कई बार कलर मैच नहीं होता, फिर उसको रीडाई करवाया जाता है। इवन सपोज अगर आपके पास ब्लैक कलर का दुपट्टा है, आप उसका कलर जो है वो चेंज भी करवा सकते हैं, उसको व्हाइट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डायर कितना एक्सपर्ट है, वो कैसे डाई कर सकता है, ठीक है। तो इस पे भी 20-25, अब हर स्टेप में अगर 20 तो इसका मतलब एक क्लोदियर मर्चेंट के अंडर कितने लोग काम करते होंगे, 80-100, ठीक है। इट मींस उस टाइम पीरियड में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हम टाइम पढ़ रहे हैं जिसमें काम जो था वो विलेज एरियाज यानी कि डोमेस्टिक यूनिट्स में होता था। विलेजर अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करते थे साथ में, फैमिली मेंबर्स भी साथ में काम करते थे और इस तरह से कॉटन टेक्सटाइल का जो काम है वो विलेज एरिया से करवाया जाता था, ना कि इंग्लैंड से। बिकॉज एट दैट टाइम इन इंग्लैंड गिल्ड सिस्टम वॉज देयर एंड दीज गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस एंड गिल्ड ट्रेडर्स दे वर नॉट लेटिंग दीज न्यू मर्चेंट्स टू एंटर इन देयर बिजनेस बिकॉज दे वर स्केयर्ड दैट देयर प्रॉफिट कुड बी डिवाइडेड। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पीरियड में काम हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, लेकिन फैक्ट्रीज में नहीं, इंडस्ट्रीज में नहीं, बल्कि विलेज एरियाज में, ठीक है। फिर धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ 17th to 18th century से। अब हम पढ़ते हैं 19th century, यानी कि अब हमने पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कि
ये फेज खत्म हो गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और धीरे 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 टाइम पीरियड यानी कि 200 इयर्स के बाद का जो टाइम पीरियड है जिसमें हमने पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में इंग्लैंड में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो हमने सबसे पहले बतानी है, ठीक है। न्यू इन्वेंशन में सबसे पहले आप बताओगे कार्डिंग। मैंने आपको फोर स्टेप्स बताए पहले, लेकिन जब 19 अब हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी में कार्डिंग एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कि पर्सन की जरूरत नहीं होती थी कॉटन को रिफाइन करने के लिए या कॉटन को स्टेपलिंग करने के लिए, बीड्स निकालने के लिए, यानी कि मशीन्स की हेल्प से कार्डिंग का जो प्रोसेस है वो किया जाता था। तो वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिंग? कार्डिंग इज द प्रोसेस इन विच फाइबर, कार्डिंग इज द प्रोसेस इन विच फाइबर, फाइबर का मतलब दोनों, चाहे वो कॉटन है चाहे वील है, सॉरी वूल, ठीक है। कार्डिंग इज द प्रोसेस इन विच फाइबर, फाइबर में ब्रैकेट में लिखो कॉटन और वूल, आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग, आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग। मैंने जब आपको नेशनल मूवमेंट करवाई थी उसमें हमने पढ़ा था ना हैंड स्पन क्लोथ खादी, तो आपने महात्मा गांधी जी को खादी से क्लोथ बनाते देखा होगा। चरखा क्या होता था पुराने टाइम पीरियड में, चरखा, उसमें क्या करते थे कॉटन बेल्स एक तरफ लगाते थे, व्हील जो है उसको घुमाया जाता था, तो कॉटन से थ्रेड अपने आप व्हील पे रोटेट होता था और उसके बाद उसका थ्रेड बनता था और उस थ्रेड से कपड़ा बनता, उसको क्या बोलते थे खादी। वन मैन वॉज इन्वॉल्व। आप ये सोचो कि चरखा जो था उस टाइम पीरियड में चरखे से कॉटन से थ्रेड बनाते थे, ठीक है, स्पिंडल से भी कॉटन से थ्रेड बनाते थे। तो कार्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो स्पीड यानी कि जो अलग अलग स्टेप्स हैं, चाहे वो स्टेपलर है चाहे वो फुलर है, उन स्टेप्स को निकाल दिया जाता है। तो ये इसकी जो इन्वेंशन सबसे पहले किस इंडस्ट्री में हुई, कॉटन में। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कॉटन नंबर वन लीडिंग इंडस्ट्री थी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, फर्स्ट कॉटन मिल, हु डिस्कवर्ड, रिचर्ड ऑकराइट, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट कॉटन मिल, रिचर्ड ऑकराइट। कॉटन मिल, क्या फर्क था विलेज एरियाज और मिल में? विलेज एरियाज में 20-25 विलेजर्स अलग अलग घरों में रहते थे, उनके बीच में कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं भी होती थी। सपोज स्टेपलर ने काम नहीं किया, फुलर को जो है वो कॉटन नहीं मिलेगी, और स्पिनर ने काम नहीं किया तो आगे जो है वो आगे जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और इस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत स्लो होता था। लेकिन मिल एक ऐसा कंसेप्ट आया जिसमें सारे स्टेप्स एक ही रूफ के अंडर होने लगे और प्रॉपर सुपरविजन जो है वो होने लगे, और इस तरह से इंग्लैंड में बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट को इस चीज के लिए कंपेल किया दैट दे शुड बी गिवन मैन्युफैक्चरिंग राइट टू ओपन मिल्स एंड सो दैट कॉटन टेक्सटाइल कुड बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंग्लैंड से फॉरेन कंट्रीज में जाती थी बेचने के लिए, और जितना कपड़ा बिकेगा उतना फायदा किसको होगा, मैन्युफैक्चरर्स को, मर्चेंट्स को, और मर्चेंट्स को फायदा होगा तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, गवर्नमेंट को, क्योंकि वो अब ज्यादा टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर कॉटन मिल्स और कॉटन टेक्सटाइल को लार्ज स्केल पे प्रमोट किया बिकॉज इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब उनको क्या चाहिए था, रॉ मटीरियल। मिल्स बढ़ने लग गई, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, अब ब्रिटेन को क्या चाहिए था, कॉटन, रॉ कॉटन, और ये रॉ कॉटन ब्रिटेन को अलग अलग कंट्रीज से मिलता था, इंडिया वॉज वन ऑफ द कॉलोनी, एंड यू नो दिस वॉज अ रीजन वाई ब्रिटेन मेड मैनी कंट्रीज एज अ कॉलोनी टू गेट रॉ कॉटन एंड टू गेट रॉ मटीरियल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1760, हमने दो ईयर्स को कंपेरिजन करना है, सबसे पहले आप लिखोगे 1760 और नेक्स्ट आपने बताना है 1787, क्या डिफरेंस था इन दोनों ईयर्स में। 1760 में आपने बताना, राइट डाउन, ब्रिटेन इंपोर्टेड इन 1760, ब्रिटेन इंपोर्टेड 2.5 मिलियन 2.5
2.5 million pounds of raw cotton. Britain imported 2.5 million pounds of raw cotton. And in 1787, this amount increased 22 million pounds. यानी कि 22 मिलियन पाउंड्स की कॉटन खरीदी गई ऑल ओवर द वर्ल्ड रॉ कॉटन 1760 ब्रिटेन इंपोर्टेड 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन देन 1787 22 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन वाज परचेज और ये रॉ कॉटन कहाँ चाहिए थी मिल्स में रॉ कॉटन क्यों चाहिए थी थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड से क्या बनता था टेक्सटाइल और ये टेक्सटाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इंग्लैंड की तरफ से बेचा जा रहा था टू मेक हाई प्राइसेस और फैक्ट्री सिस्टम की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई थी 1730 अब आप खुद डिफरेंस देखो 1730 में फैक्ट्री सिस्टम बनना शुरू हुआ 1760 में रॉ कॉटन जो थी उसका फिगर क्या था 2.5 1787 में 22 मिलियन पाउंड इतना ज्यादा इंपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी जो ये शो करता है कि रॉ कॉटन की डिमांड बढ़ी क्यों बढ़ रही थी बिकॉज मिल्स वर ओपनिंग इंडस्ट्रीज वर ओपनिंग इन द लार्ज स्केल इन द इंग्लैंड एंड दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ये फिगर जो है वो आपको वन मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू जो है उस पर भी आ सकती है ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कॉटन टेक्सटाइल दैट मेड मेनी सिटीज पॉपुलर इन द इंग्लैंड इंग्लैंड में बहुत सी सिटीज जो हैं वो पॉपुलर हुई और सबसे बेस्ट एरिया जो माना गया दैट इज लैंकाशायर ब्रिटेन इंग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है लैंकाशायर जहां पे बहुत सी कॉटन मिल्स सेटअप हुई लैंकाशायर इंपॉर्टेंट प्लेस बेस्ट स्पिनिंग लोकेलिटी इन द वर्ल्ड जो कि लंदन में है बेस्ट स्पिनिंग लोकेलिटी इन द वर्ल्ड लैंकाशायर व्हाई दिस प्लेस बिकेम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ सेटिंग अप ऑफ मैनी कॉटन मिल्स एंड द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस वॉज सुटेबल जैसे हम कहते हैं ना इंडिया में क्या है गुजरात एंड महाराष्ट्र इज बेस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन ड्यू टू ब्लैक सॉइल दैट्स वाई दिस प्लेस इन लंडन इंग्लैंड वॉज बेस्ट सुटेबल फॉर कॉटन मिल्स कॉटन एंड कॉटन टेक्सटाइल लैंकाशायर ड्यू टू ह्यूमिड एटमोसफेयर भी कह सकते हैं यहाँ का जो एटमोसफेयर है दैट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर कॉटन ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में आपने बताना है कि इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप हुई हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अब आगे डिटेल में बताना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या सिर्फ कॉटन ही थी या कोई और इंडस्ट्रीज भी थी जो साइड बाय साइड ग्रो कर रही थी नंबर वन कॉटन 19th सेंचुरी में सबसे नंबर वन पे कौन सी इंडस्ट्री थी कॉटन इंडस्ट्री लीडिंग सेक्टर जब हम ये क्वेश्चन डिटेल में करते हैं ना तो हमारा ये क्वेश्चन पता क्या होता व्हाई कॉटन बूम्ड अप का मतलब क्या होता इतना ज्यादा कॉटन में बेनिफिट गवर्नमेंट को कैसे हुआ फिर हम सारा इसमें जो मैंने आपको बताया प्रोटो से इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे फिर टाइम पीरियड हम बताते हैं लेकिन जब आप इसको वन मार्क के लिए करोगे तो आपने मेन इंपॉर्टेंट आपने इसमें ईयर और डाटा इसमें बताना ठीक है नंबर वन फर्स्ट विच सेक्टर वॉज द लीडिंग सेक्टर In England, in the face of industrialization, that was cotton. Which sector was second? Cotton के बाद किसका number आया? Iron and steel industry. Iron and steel industry was the second leading sector in the industrialization. अब iron and steel की demand पता क्यों बढ़ी? Because in this time, railway was expanding. रेलवे एक्सपेंशन आपको पता रेलवे की डिमांड क्यों फील हुई बिकॉज एट दैट टाइम विलेज एरियाज से सिटीज और सिटी से कॉटन टेक्सटाइल जो है वो पोर्ट एरियाज को सप्लाई करना पड़ता था
पोर्ट एरिया से आगे शिप में कंसाइनमेंट जाती थी अलग अलग कंट्रीज में बिकने के लिए. तो एट दैट टाइम डिमांड ऑफ रेलवे, डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम दैट वॉज इंक्रीज एंड ड्यू टू दिस गवर्नमेंट लेड ट्रैक्स. ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स बिछाना पड़ा. और रेलवे ट्रैक्स के लिए कितनी डिमांड, किसकी डिमांड होती है, आयरन एंड स्टील. एंड दैट्स व्हाई कॉटन के बाद सेकंड सेक्टर जो है वो कौन सा सबसे ज्यादा ग्रो हुआ, आयरन एंड स्टील. अप्रोक्सीमेटली 1840, ये साथ में ईयर जरूर लिखो, अप्रोक्सीमेटली 1840, नियर अबाउट 1840, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिमांड आल्सो इंक्रीज. अब हमने बताना है कि आयरन एंड स्टील में ब्रिटेन इंपोर्ट करता था या एक्सपोर्ट करता था. कॉटन, रॉ कॉटन को इंग्लैंड इंपोर्ट करता था, याद रखना. लेकिन इंग्लैंड में अपनी ही आयरन माइंस बहुत ज्यादा थी और इंटरनेशनल मार्केट में आयरन की डिमांड बहुत बढ़ रही थी. सो एट दैट टाइम ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग एंड अर्निंग हाई high profit or high gap between the prices, because at that time many iron mines were in Britain, iron extract kiya ja raha tha and it was supplied to other countries also, and that time we can say that demand of iron also increased in the world market and Britain earned a huge profit. Iske liye data note karo. In 1873 ब्रिटेन एक्सपोर्टेड, इसको अंडरलाइन करो, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट वर्ड करवा रही हूँ. एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है. 1873 ब्रिटेन एक्सपोर्टेड आयरन एंड स्टील अप टू 77 मिलियन पाउंड. ऐसे नहीं सबसे रिच कंट्री बना वर्ल्ड में. इन 1873 ब्रिटेन एक्सपोर्टेड आयरन एंड स्टील अप टू 77 मिलियन पाउंड. कॉटन से भी डबल. कॉटन में वो कितना अर्न कर रहे थे, इतना इंपोर्ट करना पड़ा था 20, वो तो उनको इंपोर्ट करना पड़ा था ना. अब इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर हो गया, कॉटन मंगवाते थे और आयरन बेचते थे, ठीक है, दोनों से ही इनको फायदा हुआ. नेक्स्ट डाटा लिखो, कॉटन वॉज इम्पोर्टेड. अब ये कई बार अगर लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आ जाता था पहले, तो जस्ट एक स्टेटमेंट लिखो ताकि आपको क्लियर हो जाए. कॉटन वॉज इम्पोर्टेड एंड आयरन वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता ना तो हम इसके लिए रीजन लिखते कि क्या रीजन है, लेकिन इसके लिए शॉर्ट में हमने सिर्फ वन मार्क के लिए बताना है दैट कॉटन वॉज इम्पोर्टेड एंड आयरन वॉज एक्सपोर्टेड. कॉटन क्यों इम्पोर्ट किया जा रहा था, बिकॉज इन इंग्लैंड मिल्स एंड इंडस्ट्रीज वर इंक्रीजिंग. एंड आयरन क्यों एक्सपोर्ट किया जा रहा था, बिकॉज इन ब्रिटेन आयरन माइंस वर इनसफिशियंट नंबर. और आपको शायद ये भी याद होगा कि ब्रिटेन एक ऐसा एरिया है जो यूरोप में सबसे इंग्लिश मैन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट माने गए. एंड दिस कम्युनिटी कॉलोनाइज मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड एट दैट टाइम दे वर डिमांडिंग कॉटन फ्रॉम कॉलोनीज एंड सप्लाइंग आयरन. और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में भी सबसे ज्यादा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन फेस किया गया कॉटन ग्रोअर्स, बिकॉज एट दैट टाइम इंग्लैंड वॉज डिमांडिंग कॉटन और हमारे इंडियंस को कॉटन जो है वो कम रेट पे जो है वो इंग्लैंड भेजना पड़ रहा था. एंड एट दैट टाइम देयर मर्चेंट्स दे वर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स बाय सेलिंग देयर कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है. तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये गैप जो है वो आगे कैसे बढ़ता गया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. जब हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं ना, आप लिखो फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. Features of industrialization, वो हम बता देंगे बच्चे, तभी मैं दोनों तरफ से आपको पढ़ रहा हूँ, ठीक है. Features of industrialization. Still, when industries were set up, हम ये कह सकते हैं कि 19th century में ना अचानक से ही लोग जो हैं वो industries में काम करने के लिए ready नहीं थे. इसका example मैं आपको जैसे ये देती हूँ कि जब भी market में कोई भी नया instrument आता है या mobile आता है या कोई भी नई technology आती है, इमीडिएटली सभी लोग उसको परचेज नहीं करते हैं. वो पहले देखते हैं कि बाकी लोग अगर खरीद रहे हैं तो उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और धीरे 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 फिर उस प्रोडक्ट जो है उसको खरीदा जाता है जब उसकी पब्लिसिटी हो जाती है. इसी तरह से जब इंग्लैंड में बड़ी बड़ी मिल्स या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी तो मशीन जो है वो भी लग रही थी, और हर पर्सन को मशीन लगानी नहीं आती.
विलेजर्स के जो लोग थे वो हाथ से काम करते थे और उनके इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे नहीं थे कि वो मशीन मेड गुड्स का मुकाबला कर सके। एंड स्टार्टिंग में जो पर्सन थे उनको मशीन चलानी नहीं आती थी क्योंकि मशीन्स बहुत कॉस्टली होती थी, इनकी रिपेयर बहुत कॉस्टली होती थी और इंजीनियर्स कोई कोई होता था। आज के टाइम पीरियड में तो इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है ना, लेकिन पुराने टाइम पीरियड में इंजीनियर्स मैकेनिक्स बहुत कम होते थे। तो अल्टीमेटली 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग ईयर में लोग इंडस्ट्रीज में काम करने से अभी थोड़ा कतराते थे, वो अभी डोमेस्टिक यूनिट्स में ही काम कर रहे थे क्योंकि नई टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली थी। तो ये अब फीचर्स लिखो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के फीचर क्या थे। नंबर वन, टेक्नोलॉजी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। कॉटन मिल्स में जो अलग अलग मशीन्स लगाई गई थी ना जिसमें सारा स्टेप्स होते थे, दीज मशीन्स वर वेरी एक्सपेंसिव। ये फीचर्स मैं लिखवा रही हूँ सारा मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्टिंग का फेज। सेकेंड, पीपल दे स्टिल वर्क इन डोमेस्टिक यूनिट्स, लोग अभी भी डोमेस्टिक यूनिट में ही काम करना चाहते थे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं बच्चों को पता क्या बताती हूँ, मार्केट में रोटी मेकर भी है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में आपके मम्मा रोटी मेकर पे रोटी बनाते हैं? है ना, रोटी मेकर है मार्केट में है, बट स्टिल आपके मम्मा कैसे कैसे बनाते हैं? हाथ से ही बनाते हैं ना। चाहे इतनी ज्यादा इन्वेंशन हो चुकी है कि रोटी मेकर आ चुका है, बट स्टिल आपके घरों में हाथ से ही रोटी बनाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि रोटी मेकर का जो खाना है वो शायद उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो शुरू शुरू में लोगों को ये लग रहा था कि जो इंडस्ट्रीज हैं या कॉटन मिल्स हैं उनसे बना हुआ जो कॉटन है वो इतना ज्यादा जो है वो इफेक्टिव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे लोग मशीन मेड गुड्स को नहीं खरीद रहे। तो ये भी एक रीजन था कि अभी भी लोग डोमेस्टिक यूनिट से ही काम करवा रहे थे और लोग डोमेस्टिक यूनिट से ही काम कर रहे थे। इसके लिए डाटा नोट करो, 20% पीपल दे वर्क इन इंडस्ट्रीज। इंग्लैंड की अगर बात करें, 20% पीपल दे वर्क इन इंडस्ट्रीज एंड 80% स्टिल वर्क इन डोमेस्टिक यूनिट्स। 80% स्टिल वर्क इन डोमेस्टिक यूनिट्स, वो अभी भी डोमेस्टिक यूनिट्स यानी कि विलेज एरियाज में ही काम कर रहे थे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर वेरी स्लो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर वेरी स्लो। इसका मतलब क्या है कि लोग धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी को इमिडिएटली अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, मशीन्स नहीं खरीद रहे थे लोग क्योंकि उनको लग रहा था कि मशीन्स बहुत कॉस्टली हैं। रिपेयर ऑफ मशीन वॉज वेरी हाई, रिपेयर अगर मशीन चलते थे रुक जाती थी तो उस टाइम पीरियड में इंजीनियर्स उनको इजिली नहीं मिलते थे, तो इट वॉज वेरी कॉस्टली। रिपेयर ऑफ मशीन्स वॉज वेरी कॉस्टली। एंड रॉयल्टी, उस टाइम पे मोनार्की सिस्टम था, तो आपको पता है मोनार्की सिस्टम जो किंग्स थे या क्वींस थे वो हैंडमेड गुड्स ज्यादा पसंद करते थे एज कम्पेयर टू मशीन मेड गुड्स। उनको लगता था मशीन, अब मशीन में जब चीजें बनती है ना तो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, सपोज अगर आप ड्रेस की बात करो तो मशीन मेड ड्रेसेस जो है वो लार्ज अमाउंट पे निकलेंगी और डिजाइन एक जैसा ही होगा, और यू विल नेवर प्रेफर कि आपने जो ड्रेस पहनी है दूसरा भी सेम पहनेगा। तो इसके लिए डिजाइनर ड्रेसेस का ट्रेंड, डिजाइनर ड्रेसेस में क्या होता है वो खुद आपके लिए एक सिंगल ड्रेस डिजाइन करते हैं और उसका जो है वो सेकंड अल्टरनेट या उसकी कॉपी नहीं होती। तो उस टाइम में भी अभी जो रॉयल्टी यानी कि जो किंग और क्वींस थे दे स्टिल प्रेफर्ड हैंडमेड क्लोथ। रॉयल्टी मींस किंग्स और क्वींस इन ब्रिटेन दे स्टिल प्रेफर्ड हैंडमेड क्लोथ, वो हैंडमेड क्लोथ को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे एज कंपेयर टू मशीन मेड। उनको लगता था कि जो मशीन मेड है वो सस्ता है और वो सभी सभी लोग उसको ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा उनकी जो एक यूनिक जो उनकी डिमांड थी वो सब में जो है वो कॉमन हो जाएगी और वो कॉमन चीजें नहीं चाहते थे। सो दैट्स व्हाई रॉयल्टी आल्सो प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स और हैंडमेड क्लोथ। तो इसीलिए भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ्यूचर में हम ये पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में इंडस्ट्रीज में या स्टार्टिंग में मशीन मेड गुड्स की जो डिमांड थी वो हाई नहीं हो पाई। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी, ऑफलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बताओ।